उज्जवल निकम देश भक्त है, आतंकवादियों को फांसी चढ़ाने का काम किया। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद को समर्थन देती रही है। आपको बाटला हाउस भी याद होगा किस प्रकार से उन्होंने एक शहीद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पूरी तरीके से लोगों से नाता तोड़ दिया, उन्होंने लोगों ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी। हमारे शहीदों को, हमारे जवानों का अपमान करके वो इतनी ऊंची राजनीति कर रहे हैं कि देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 11 को लेकर कांग्रेस के नेता जिस तरह से बार बार आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और उज्जवल निगम को देशद्रोही कहा है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उज्जवल निकम एक देशभक्त है जिन्होंने आतंकवादियों को फांसी चढ़ाने का काम किया। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद को समर्थन देती रही है। आपको बाटला हाउस भी याद होगा किस प्रकार से उन्होंने एक शहीद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पूरी तरीके से लोगों से नाता तोड़ दिया, उन्होंने लोगों ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि अब वो विवाद, फेक नैरेटिव, फेक वीडियोस और नकारात्मक सोच के अलावा उनके पास कुछ नहीं। रोज 18 तास कांग्रेस राजनीति कर रही है, देशाची सेवा करण्यासाठी लोकांची सेवा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उनका स्तर और कितना नीचे गिर सकता है। हमारे शहीदों को, हमारे जवानों का अपमान करके वो इतनी ऊंची राजनीति कर रहे हैं कि देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की आज तक की सबसे खराब राजनीतिक प्रदर्शन इस चुनाव में देखा जाए। उज्जवल निकम एक देशभक्त है, आतंकवादियों को फांसी चढ़ाने का काम किया। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद को समर्थन देती रही है। आपको बाटला हाउस भी याद होगा किस प्रकार से उन्होंने एक शहीद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पूरी तरीके से लोगों से नाता तोड़ दिया, उन्होंने लोगों ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी। हमारे शहीदों को, हमारे जवानों का अपमान करके वो इतनी ऊंची राजनीति कर रहे हैं कि देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।